भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा यानी पुंछ का मेंढर इलाका और उसका आखिरी गांव नाट बलनोई, इस समय हम वहां पर मौजूद हैं। और मेरे पीछे ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो अपना मतदान यानी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। और इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि हम यहाँ पर अपने बॉर्डर इलाके की तरक्की, विकास और जो भी इनके मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर आज इन्होंने जो है मतदान किया है। डेली एक्सेलसियर की टीम आज उस आखिरी गांव में है और इन लोगों से बातचीत करेगी क्या कुछ मुद्दे लेकर आज इन्होंने मतदान किया है। जनाब, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जनाब, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, मैं बनलोई के आखिरी गाँव मेंढर का आखिरी गाँव। पहले मैं आपसे सीधा ये सवाल करूँगा कि ये कौन सा इलाका है जी, कहाँ है, कितनी आबादी है और क्या सोचकर आज आपने जो है वो अपना वोट कास्ट किया? जनाब, ये मेंढर का आखिरी गांव है, बनलोई वार्ड नंबर 9। और ये बनलोई का पूरा गांव, इसमें तकरीबन 11 वार्डे हैं, ये पूरा का पूरा जो पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ अटैच है। ठीक, तमाम जो ये बनलोई का गाँव है ये बॉर्डर के साथ है। मतदान करने की, वोट डालने की बात यह है कि लोग परेशान हैं, बार बार इन लोगों पे पहले शेलिंग भी हुई, ये लोग उजड़े भी, फिर यहाँ बसे, फिर उजड़े, फिर बसे, लेकिन 2-4 साल से फायरिंग बंद है, जिसकी वजह से आज लोगों का वोट डालने का मकसद ये है कि लोग आप गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि हम इतनी तादाद में यहाँ लोग रह रहे हैं, हम इतने लोग रह रहे हैं, हमारी तरफ भी तवज्जो करो, ये लोग जो बॉर्डर के साथ हैं इनकी तरफ भी तवज्जो करो कि ये लोग अगर आज 47 से लेकर, 65 से लेकर, 71 से लेकर आज तक हिंदुस्तान के वफादार, शाना बशाना हिंदुस्तान की फ़ौज के साथ खड़े हैं, इन लोगों का ख्याल रखो। वो ये लोग आज भी खड़े हैं और बाद में भी रहेंगे। हम लोग आज इसलिए वोट डाल रहे हैं ये लोग कि ये अपना सबूत पेश कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के आखिरी कोने से हिंदुस्तान को वोट डाल रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में डाल रहे हैं। लास्ट में देखना कि इनकी कितनी तादाद में वोट पड़ रहे हैं, यहाँ बच्चे, औरतें, बुज़ुर्ग और लोगों को चारपाइयों पर भी उठा के यहाँ लाए हैं जिन्होंने वोट डाला है। हमारे साथ कुछ यंगस्टर भी हैं, तमाम इन लोगों से बातचीत करेंगे। आप अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद रियासत है। रियासत जी, आप क्या करते हैं? मैं पढ़ ही रहा हूँ अभी। अच्छा, तो क्या आज आप एज ए युवा हैं, मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि आज आपने वोट कास्ट किया है, बेसिक क्या मुद्दे रहे? क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई मुद्दा है, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ग्रीवेंसेस, काफ़ी परेशानियाँ रहती हैं, फिर भी आपको क्या ऐसा लगता है कि जिस वजह से आज आपने सोचा कि मैं इस मुद्दे पर वोट कास्ट करूँगा? जी, बाकी तो अकरम अंकल साहब ने बता दिया, तो मेरी यही है, बेसिक अपनी यही है कि हम वोट इसलिए कास्ट कर रहे हैं कि अच्छी गवर्नमेंट बने। उसके साथ हमारी यूथ काफ़ी परेशान है, बेरोज़गारी यहाँ पे बढ़ चढ़ कर है, तो खेलने कूदने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, तो वो उस तरह भी थोड़ी तवज्जो दे गवर्नमेंट, तो बाकी स्मूथली हो रहा है यहाँ पर वोटिंग, वोट कास्ट हो रहे हैं, तो बस इतना ही कहना है मेरा। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम गुलाम अली है, मैं पेंच वार्ड नंबर 8 का हूँ, बलनोई का। गुलाम जी, मैं आपसे ये पूछूंगा कि बिल्कुल सरहदी इलाका है जी। जैसे कहा कि पानी, बिजली की ये सारी दिक्कतें हैं, बेसिक वो हैं, तो फिर आपका पानी कैसे पूरा होता, कौन करता है, पानी कौन देता है आपको? सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्र गुजार हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिन्होंने इलेक्शन करवाया है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2014 के बाद अभी तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ। डेवलपमेंट के इशू तो तब आएंगे जब हमारा चुना हुआ नुमाइंदा आगे जाएगा, वो बात करेगा, तब होगा। क्या मेन मुद्दा क्या रहा आज के, आज ये इतनी तादाद में सब लोग आपने वोट कास्ट किए? मेन मुद्दा यही है कि 2014 के बाद से आज तक इलेक्शन नहीं हुए, लोगों ने देखा कि अब हमें चाहिए कि हम अपना नुमाइंदा चुन के आगे भेजें जो हमारी बात रख सके। तो क्या मतलब कैसा नेता चाहते, कैसा होना चाहिए, क्या मतलब की सोच? नेता यही चाहते हैं कि ज़्यादातर देखें कि यूथ अब बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है, JKSSB वालों ने एक नोटिफिकेशन निकालते हैं उसको 3 साल लग जाते हैं, तो यही है, हमारा कोई नेता होगा तब जाके हमारी बेसिक नीडें पूरी होगी। कोई डेवलपमेंट का इशू है, कोई रोड का है, कोई ब्रिज का है या कोई भी है, मगर जब हमारा कोई बात करने वाला ही नहीं होगा तो कैसे नीडें पूरी होगी? तो मतलब आप चाहते हैं कि इन चीज़ों में बदलाव आना चाहिए, इन चीज़ों में बदलाव। हमारे साथ एक शख्स और है, जनाब आप ये बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम खादम हुसैन है। खादम साहब, क्या लगता है कि आपको क्या कुछ बदलना चाहिए? आज आपने वोट डाला है, तमाम युवा आपके साथ हैं, ये सब लोग जो है गाँव के यहाँ पर लोग मौजूद हैं, तो क्या चाहते हैं कि बॉर्डर सरहदी इलाकों पे क्या कुछ ऐसे काम होने चाहिए जिस वजह से बदलाव आए? मेन क्या आपका मुद्दा रहेगा? मेन हमारा मुद्दा ये रहेगा कि यहाँ पे ज़्यादा लोग माल मेशी रखते हैं, और जो फैसिलिटी माल मेशी वालों को चाहिए, जिस तरह वेटनरी है,
वो कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई सड़क का बंदोबस्त नहीं है। दूसरे नंबर ये है कि जब ये लोग दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पे भी इनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। हम कबायली लोग हैं तो ज़्यादा तो वो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतनी कुदरती वसाइल है माल मवेशी रखने के। अगर इन चीज़ों पे ध्यान लगाया जाए तो जो हमारा ये बेरोज़गारी का मसला है, इसका कुछ ना कुछ असर इस चीज़ पे ज़रूर पड़ सकता है। आपको लगता है कि आज 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 जो आपने वोट दिए हैं, मैं वही बता रहा हूँ ना। तो दूसरे नंबर ये है कि हम चाहते हैं अमन। ये चार साल में हमें बहुत सुकून मिला है, नहीं तो हम कई बार यहाँ से उजड़े हैं और कई बार यहाँ पे ठहरे। तो अब ये नहीं पता कि कब क्या हो, इसलिए बैंकर जो हैं बहुत सारे लोगों को मिले, बाकी को नहीं मिले, तो बॉर्डर पे बैंकर मिलना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन है, तो एजुकेशन की बात ये है कि अगर सड़कें बेहतर होंगी, ठीक है, इस स्कूल के पास तो सड़कें हैं, बहुत सारे स्कूलों के पास सड़कें नहीं पहुँची बल्लोई में, तो अगर सड़कें होंगी, टीचर वक्त पर पहुँचे, वहाँ तालीम होगी, तालीम होगी तो ऑटोमेटिक उस इलाके का एरिया हालात बदल जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बल्लोई की जो बड़ी रोड है वो बिल्कुल किसी काम की नहीं है, यानी कई किस्म की परेशानियां हैं। लेकिन मतलब इन सभी परेशानियों का हमने वोट दिया है, कैसा ये बदलाव आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे साथ तमाम कुछ लोग थे जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा, क्योंकि लास्ट विलेज में हैं, इन्होंने कई अपने जो है वो मुद्दे बताए हैं कि क्या कुछ बदलाव आना चाहिए, किन मुद्दों को लेकर हमने वोट कास्ट किया है। और मेन तौर पर जब शेलिंग होती थी तो इन्होंने काफ़ी दर्द सहे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और इन्होंने बंकर्स की डिमांड रखी, एजुकेशन सेक्टर की और तमाम तरह की रोड कनेक्टिविटी की। तो इनका आज का जो मतदान था वो अपने इन मुद्दों को लेकर इन्होंने मतदान किया। वीडियो जर्नलिस्ट सरज के साथ राही कपूर, एक्सेलसियर न्यूज़, LOC, बल्लोई, मेंडर।